5 साल हो गए यहाँ पे किसी प्रकार का काम पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नहीं किया है। यहाँ के रास्ते हो, लाइट्स हो, फुटपाथ हो, पानी हो, इतनी बड़े बड़े हमारी जो समस्याएं हैं, ये भी समस्या का सुलझा यहाँ पे नहीं हुआ है। खारघर कॉलोनी फोरम संपूर्ण खारघर में पिछले 8 साल से काम कर रहा है और हर क्षेत्र में हमारे ऑफिसेज ओपन होने वाले हैं। हर समस्या का हम निराकरण करेंगे और हर क्षेत्र में कॉलोनी फोरम का कार्य। इस वक्त हमारे साथ खारघर कॉलोनी फोरम की अध्यक्ष हैं और नगर सेविका सीनियर कॉरपोरेटर लीना गरड़ मैडम हैं। आपने खारघर कॉलोनी फोरम के जरिए जो सिडको जोन है वहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। पहले पनवेल महानगर पालिका के डबल टैक्स प्रणाली के खिलाफ आपने हाईकोर्ट तक दस्तक दी, अब लगातार जनसंपर्क कार्यालय खुल रहे हैं और उसके जरिए नागरिक समस्याओं के समाधान के प्रयास चल रहे हैं। आज 5वां कार्यालय खारघर में खोला गया है, खारघर कॉलोनी फोरम का। मैडम सबसे पहले आपको बधाई, आपका 5वां कार्यालय खुल गया है, क्या लक्ष्य है आपका और कितने कार्यालय पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में खोलने की तैयारी है? धन्यवाद सुदीप जी। खारघर कॉलोनी फोरम संपूर्ण खारघर में पिछले 8 साल से काम कर रहा है और इन 8 सालों में हमने जो काम किए हैं, जो कार्य किए हैं, जनता जानती है। इसी प्रकार अभी हमें जनता की प्रेरणा से ही हमने खारघर में हमारा 5वां कार्यालय सेक्टर 21 में खोला है, इसका आज शुभारंभ हुआ है। इसी प्रकार कुछ दिनों में सेक्टर 10 में हमारा नया कार्यालय खुलने वाला है। इसी प्रकार जो कामोठा जोन है वहाँ पर भी हमारा अगले महीने में कार्यालय खुलने वाला है। मतलब कॉलोनी फोरम इस पूरे सिडको निर्मित शहर में, सिडको डेवलप्ड एरिया में हर क्षेत्र में काम करने वाला है, काम चालू है। हर जगह हमारे समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं। हमारे कामोठे में 70 कोऑर्डिनेटर्स आज की डेट में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार कलम्बोली में हमारे कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग कलम्बोली में भी अपना कॉलोनी फोरम ऑफिस स्टार्ट करने वाले हैं। अभी खंदा कॉलोनी तलोजा में हमारे ऑलरेडी ऑफिस हैं, जो बैक ऑफिस वहाँ पर काम कर रहे हैं, बट ऑफिशियली ओपन नहीं किए हम लोगों ने। इसी प्रकार जल्द ही जल्द पनवेल में भी हमारा कार्यक्षेत्र चालू होने वाला है। आपने एक घोष वाक्य दिया है कि आमचे ठरले आता पनवेल उरले, मतलब पनवेल अभी बाकी है, खारघर और जो सिडको जोन है उस पर आपने एक तरह से खारघर कॉलोनी का दबदबा भी कायम होते जा रहा है, क्या लक्ष्य है पनवेल को लेकर, पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र को लेकर और पनवेल विधानसभा क्षेत्र? अभी हमारा टारगेट है पनवेल, क्योंकि पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारे मैक्स टू मैक्स 80% जो उम्मीदवार हैं चुन के जाने चाहिए। इस भूमिका से हम लोग संपूर्ण पनवेल क्षेत्र में अपना कार्य का विस्तार कर रहे हैं और हर क्षेत्र में हमारे ऑफिसेज ओपन होने वाले हैं। इसमें पनवेल हमारा खाली बचा है आज, बहुत जल्द हम पनवेल में भी अपना कार्य का विस्तार करने वाले हैं और वहाँ की जो नागरिक समस्याएँ हैं, जो भले सिडको की हो, पनवेल महानगर पालिका की हो, जो समस्याएँ, हर समस्या का हम निराकरण करेंगे और हर क्षेत्र में कॉलोनी फोरम का कार्य करते रहेंगे। एक बहुत बड़ी बात उभर के जो दिख रही है ये कि जो सत्ताधारी है इस वक्त बीजेपी पनवेल महानगर पालिका में, विधायक भी बीजेपी के हैं, इसके बावजूद भी, एक हाथ में सत्ता होने के बावजूद भी क्यों आखिर समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा? हमारा खारघर नोड जो है, कामोठा नोड जो है, जो भी सिडको कॉलोनी एरियाज नोड हैं, सारे नोड्स का डेवलपमेंट सिडको ने किया है और इस नोड का डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो सारा सिडको है। आज के डेट में अगर देखेंगे तो जीआर निकला हुआ है कि खारघर नोड का डेवलपमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी सिडको है। तो इसके बावजूद हमारे आमदार प्रशांत ठाकुर ने खारघर नोड को पनवेल महानगर पालिका में समाविष्ट क्यों किया, ये हमें बात समझ में नहीं आई है। जब उन्हें यहाँ पे काम करना ही नहीं है, जब ये संपूर्ण नोड सिडको का है, तो आप यहाँ पे इसको समाविष्ट क्यों किया है? खाली आपको मालमत्ता कर वसूल करना था और खारघर की जो जनता है बहुत अमीर जनता है, इस उद्देश्य से आपने खारघर को इसमें समाविष्ट किया है, ऐसा मेरा पूरा इन पर ब्लेम है। क्योंकि ज़रूरत न होते हुए भी समाविष्ट किया गया है, लेकिन इसके बावजूद 5 साल हो गए यहाँ पे किसी प्रकार का काम पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नहीं किया है। यहाँ के रास्ते हो, लाइट्स हो, फुटपाथ हो, पानी हो, इतनी बड़े बड़े हमारी जो समस्याएँ हैं, ये भी समस्या का सुलझा यहाँ पर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि महापालिका बनाकर इनका उद्देश्य था खाली टैक्स जमा करना, टैक्स जमा होने के बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट्स लेना, प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में से लेना, कॉन्ट्रैक्ट्स आने के बाद जो उनका जो इनकम सोर्स है, यहाँ से इनकम कमा के अगेन यही इनकम, यही पैसा हमारे जो मतदार हैं, जो वोटर्स हैं, इनके बीच बांटना, ताकि अगेन वो सत्ता में आ सके। इस प्रकार का जो सिस्टम है
ठाकुर फैमिली चला रही है, तो हमें कॉलोनी फोरम के लोगों को, मेंबर्स को, उम्मीदवारों को ये सिस्टम पूरी तरह तोड़ना है। क्या इस तरह की तैयारी है कि आने वाला अभी चुनाव जो महानगर पालिका का है, पनवेल महानगर पालिका का, मई के बाद चुनाव होने वाले हैं, तो क्या खारघर कॉलोनी फोरम अब राजनीतिक तौर पर इन समस्याओं के समाधान के लिए मैदान में, चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है? ज़रूर, अभी कॉलोनी फोरम जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हर सेक्टर में, हर जोन में, हर नोड में काम कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो उम्मीदवार हैं कॉलोनी फोरम के उम्मीदवार होने चाहिए, इस अनुसंधान से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, ज़रूर हमें यहाँ पे विजय मिलेगा, ये मेरा निश्चित रूप से मेरा कहना है। एक चीज़ जो आपने सबसे बड़ा अभियान शुरू किया था डबल टैक्स प्रणाली के खिलाफ, हाईकोर्ट में अभी भी उसका मामला चल रहा है, सेशन कोर्ट में, क्या स्थिति अभी और किस तरह से उस मुद्दे को लेकर आप समाधान की दिशा में जा रही हैं, जो राज्य सरकार है उससे किस तरह की मदद मिल रही है? पहले हमने पिटीशन फाइल की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई भी हुई, एक हेयरिंग में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिडको, पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, तीनों को नोटिस भी दी है कि जल्द से जल्द आपकी तरफ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रदान की जाए। इसके अलावा अभी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं अजीत दादा पवार, इनसे भी मिले, हमारे जो नगर विकास मंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, उनसे भी मिले, जल्द से जल्द इनकी तरफ से हमें बहुत जल्द ही इस पर रिलीफ मिलने वाला है, कुछ एक या दो महीनों में इस पर ज़रूर डिसीजन होने वाला है और हमें राहत मिलने वाली है। एक दो आखिरी सवाल, आपको लगता है कि खारघर कॉलोनी फोरम ही एक अभी ऐसा माध्यम बचा है जो जो खारघर जो क्षेत्र है या जो सिडको विकसित जोन है वहाँ की समस्याओं का समाधान कर सकता है और राजनीतिक तौर पर इसका समाधान अभी संभव नहीं है? कोई भी राजकीय नेतृत्व अगर देखेंगे तो इस एरिया में काम ही नहीं कर रहे हैं, जो भी है स्थानिक लेवल पे काम करते हैं, खाली गांवों में काम करते हैं, बट हम लोग जो कि यहाँ पे करोड़ों के घर लेके यहाँ पे आए हैं, टैक्स भर रहे हैं, सिडको सर्विस चार्ज भर रहे हैं, पर हमारा यहाँ पे कोई वाली नहीं है, कोई हमारे यहाँ देखता नहीं है, पूरी तरह से हम पर अन्याय होता जा रहा है और हमारे पास वक्त नहीं है। यहाँ पे जो लोग सिडको एरिया में रहने वाले लोग हैं वो जॉब करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस में जाते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, टाइम नहीं इनके पास, बिकॉज यहाँ पे खाली अपना रोज़गार, अपना पेट भरने के लिए आए हुए हैं, इन्हें बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ का जो राजकीय नेतृत्व है फ़ायदा उठाते हैं और इन पर कंटिन्यूस पिछले कई सालों से अन्याय होता आ रहा है। आज तो बहुत बड़ा अन्याय टैक्स के माध्यम से यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो टैक्स भरना ही है आपको, इस प्रकार से यहाँ पे अन्याय चल रहा है। तो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कॉलोनी फोरम के माध्यम से जनता को अवेयर कर रहे हैं, जन आंदोलन उभा खड़ा कर रहे हैं ताकि जनता में भी कॉलोनी फोरम की जो दिशा है, जो काम करने की दिशा है, उसके बारे में जनता देख रही है, हमारे साथ है। आखिरी सवाल आपसे, क्या किसी खारघर कॉलोनी फोरम, वैसे तो एक एनजीओ है जो काम कर रहा है, तो क्या इसका राजनीतिक पार्टी में भी कोई विलय होगा क्या, या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ भी आप जाना चाहते हैं, किस तरह की आगे भूमिका रहेगी? खारघर कॉलोनी फोरम ये टोटली स्वतंत्र है, मतलब राजकीय दृष्टा ये स्वतंत्र है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। खाली टैक्स का मुद्दा अगर आप लेंगे, टैक्स के मुद्दे के लिए हम लोग महाविकास आघाड़ी अगर हमें साथ देती है तो उनके साथ हम लोग जा सकते हैं, बट ओनली टैक्स के मुद्दे पर, अदरवाइज हमारा ये टोटली इंडिपेंडेंट, हमारा ये स्वतंत्र राजकीय नेतृत्व रहेगा। किस तरह से अपील करना चाहेंगी पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के सारे विकसित जोन के नागरिकों से? मैं अपील करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स खारघर कॉलोनी फोरम के आप बने, ताकि आप मेंबरशिप, जितना मेंबर्स ज्वाइन होंगे उतनी हमारी ताकत, कॉलोनी फोरम की ताकत बढ़ेगी। इसलिए सबसे आह्वान करती हूँ कि आप सब लोग ऑनलाइन मेंबरशिप फॉर्म भर दें ताकि आपकी ताकत हमारी ताकत से जुड़ जाएगी। बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि लीना गरड़ जी का मानना है कि अगर जनाधार बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर जो सिडको विकसित जोन है वहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए गैर राजनीतिक तौर पर भी सफलता मिल सकती है। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।